मंदिर ने पुकारा, मस्जिद ने पुकारा, मंदिर ने पुकारा, मस्जिद ने पुकारा, अल्लाह ने पुकारा तुम्हें, ईश्वर ने पुकारा, अल्लाह ने पुकारा तुम्हें, ईश्वर ने पुकारा, आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना, आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना, आजाद वतन के लिए बलिदान हो जाना, आजाद वतन के लिए कुर्बान हो जाना, बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो, बनने को तैयार, काम की खिदमत में रहो, मिलने को तैयार, काम की खिदमत में रहो, मिलने को तैयार, बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार रहो, बनने को तैयार रहो, बनने को तैयार, बनने को तैयार रहो, मिलने को तैयार रहो। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं आज़ादी नामा की 40वीं कड़ी में। इस कड़ी में हम आज़ादी के आंदोलन की पड़ताल करेंगे उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के माध्यम से जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था, प्रतिबंधित कर दिया था और उनमें से कई को नष्ट भी कर दिया था। पर इतिहास की इबारत जो हासिल है सिर्फ उन्हीं पर नहीं लिखी जाती। इतिहास हमारी उन तमाम कोशिशों का नाम है जो सिर्फ हर्फ और जुबान तक सीमित नहीं है। आज की कड़ी में हम देखेंगे कि किस तरह ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स ने 1942 में आज़ादी के आंदोलन की आवाज़ बंद नहीं होने दी जब अंग्रेजी हुकूमत बेरहमी से आंदोलन को कुचल रही थी और जब आंदोलन के तमाम सूत्रधार अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए थे। दोस्तों, हम बात करेंगे बंबई से ब्रॉडकास्ट होने वाले कांग्रेस रेडियो की, जिसकी सबसे अहम खुराक थी ग्रामोफोन रिकॉर्ड। हम बात करेंगे उन रिकॉर्ड्स की जो कांग्रेस रेडियो के दफ्तर से अंग्रेजों ने जब्त किए थे। आपने शायद कांग्रेस रेडियो का नाम सुना हो, जिसने लगभग 75 दिनों तक साल 1942 में अंग्रेजों की आंखों में धूल फेंक कर और उनके कानों में पत्थर बजाकर आजादी की लौ जलाए रखी थी। बात बंबई के कांग्रेस रेडियो की है, जिसके दफ्तर पर अंग्रेजी खुफिया पुलिस ने 12 नवंबर 1942 को रात 9 बजे धावा बोला। उस पुलिस रेड के वक्त ग्रामोफोन पर वंदे मातरम रिकॉर्ड लगा हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। वह जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त किया था वंदे मातरम का, वह हमारे आर्काइव में है, आपसे साझा करेंगे। परंतु पहले थोड़ी जानकारी कांग्रेस रेडियो की, उसके कर्ता धर्ता की, उसके कंटेंट की और उस कंटेंट के स्रोतों की, कंटेंट के सोर्सेज की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साल 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद हुआ देश भर में, और 7 और 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजी हुकूमत से अपना बोरिया बिस्तर बांध लेने को कहा। इसके बाद गांधी जी समेत तमाम बड़े नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या नज़रबंद कर दिए गए। जो बचे थे उनमें भी अधिकांश भूमिगत हो गए, परंतु यह लड़ाई निर्णायक थी और इसलिए जनता को जगाए रखना था। इसके लिए कांग्रेस के कुछ युवा नेताओं ने कांग्रेस रेडियो शुरू करने की योजना बनाई। 27 अगस्त 1942 को कांग्रेस रेडियो का ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ और 12 नवंबर 1942 तक चला। बीच में बस 15 से 17 अक्टूबर के बीच 3 दिनों के लिए ट्रांसमीटर की क्षमता 10 वाट से बढ़ाकर 100 वाट कराने के लिए प्रसारण नहीं किया जा सका। कांग्रेस रेडियो के उस भूमिगत स्टेशन पर 12 नवंबर 1942 को छापा पड़ा। वह रेडियो स्टेशन बंबई के गिरगांव बैक की एक इमारत की 5वीं मंजिल पर था।
अगले दिन अखबार में छपा कि उस मकान से एक लड़का और एक लड़की पकड़े गए जो कि रेडियो ट्रांसमीटर को तोड़ रहे थे। वह लड़का था 23 वर्षीय श्रीयुत चंद्रकांत झावेरी और लड़की थी 22 वर्षीय सुश्री उषा मेहता। दो दिन बाद और भी जगह छापे पड़े और भी गिरफ्तारियां हुई। दोस्तों, हम आम तौर पर जब कांग्रेस रेडियो की बात करते हैं तब सिर्फ उषा मेहता की ही बात करते हैं, परंतु इस रेडियो स्टेशन के कई और महत्वपूर्ण किरदार थे। अंग्रेजी हुकूमत ने इन दोनों के अलावा जिन पर मुकदमा चलाया वे थे बाबू भाई माधव जी खक्कर, विठलदास कंठा भाई झावेरी और नानक मोटवानी। इनके अलावा इस मुकदमे में जिनको अंग्रेजी हुकूमत ने अपना गवाह बनाया था उनमें प्रमुख थे नरीमन प्रिंटर और जगन्नाथ ठाकुर। इन किरदारों के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। इस रेडियो स्टेशन के पीछे सबसे बड़ा दिमाग था 20 वर्षीय बाबू भाई माधव जी खक्कर का। यह युवक ही राम मनोहर लोहिया से प्रत्यक्ष संपर्क में था और उनके निर्देशों से ही रेडियो का संचालन कर रहा था। आपको शायद यह मालूम न हो कि कांग्रेस रेडियो के लिए कंटेंट राम मनोहर लोहिया ही लिखते थे और धन की व्यवस्था भी उनके मार्फत ही होती थी। रेडियो स्टेशन की तकनीकी और आर्थिक जरूरतों से संबंधित सारा कोऑर्डिनेशन बाबू भाई माधव जी खक्कर ही कर रहा था। उसके प्रमुख सहयोगियों में रविंद्र मेहता भी थे। कांग्रेस के रेडियो स्टेशन के ट्रांसमीटर बनाने और पूरा सेटअप तैयार करने का काम किया था बंबई के एक पारसी इंजीनियर नरीमन प्रिंटर ने, और उसकी मदद की थी मिर्जा ने जो उसका शागिर्द था। रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए जरूरी माइक्रोफोन, रेडियो, ग्रामोफोन होम रिकॉर्डर, ग्रामोफोन प्लेयर, वायरलेस मशीन आदि की व्यवस्था की थी शिकागो रेडियो के नानक मोटवानी और उनके मातहत कर्मचारियों ने। शिकागो रेडियो माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, वायरलेस से लेकर ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन के लिए उस समय सबसे बड़ी कंपनी थी भारत में और उसकी शाखाएं देश के सभी प्रमुख शहरों में थीं। शिकागो रेडियो के संबंध कांग्रेस से भी बहुत अच्छे थे, इसीलिए आप कांग्रेस के सभी आयोजनों में शिकागो रेडियो के माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर देखते हैं। आपको उन पर शिकागो लिखा हुआ दिखेगा। 7-8 अगस्त 1942 को बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में भी शिकागो रेडियो ने पूरी फिल्म रिकॉर्ड की थी। वह पूरी रिकॉर्डिंग 14,000 फीट की वीडियो रील थी जो टिन के 22 बक्सों में बंद थी। वह पूरी फिल्म 12 नवंबर 1942 के पुलिस रेड में बरामद हुई थी और फिर उन्हें जब्त कर लिया गया था। कांग्रेस रेडियो स्टेशन के रेड से जो सबसे अहम सामग्री मिली थी अंग्रेजों को वह थी ग्रामोफोन रिकॉर्ड, 100 से भी अधिक। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 120 रिकॉर्ड, परंतु जो सूची बंबई हाईकोर्ट में दायर की गई थी उसके मुताबिक कुल 117 रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। उनमें कुल 113 ग्रामोफोन रिकॉर्ड वे थे जो कांग्रेस रेडियो के लोगों ने बनाए थे ब्रॉडकास्ट के लिए। 18 रिकॉर्ड 10 इंच के थे और 95 रिकॉर्ड 12 इंच के। उनमें से अधिकांश वे रिकॉर्ड थे जो 7 और 8 अगस्त 1942 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की फिल्म से ऑडियो ट्रांसफर कर ग्रामोफोन पर लाए गए थे। यह वही फिल्म थी जिसे शिकागो रेडियो ने शूट किया था कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। इनमें से कुछ रिकॉर्ड के टेक्स्ट राम मनोहर लोहिया ने लिखे थे और उन्हें आवाज दी थी बाबू भाई खक्कर, उषा मेहता और उनके सहयोगियों ने। इसके अलावा एक एक रिकॉर्ड हिंदुस्तान रिकॉर्ड लेबल और मेगाफोन पर मिला था और 2 हिज मास्टर्स वॉइस पर। ये चारों कॉमर्शियल रिकॉर्ड थे। इनमें से सिर्फ 2 रिकॉर्ड, एक हिज मास्टर्स वॉइस पर और दूसरा हिंदुस्तान लेबल पर कांग्रेस रेडियो द्वारा इस्तेमाल होने के साक्ष्य मिलते हैं, जो ये 2 रिकॉर्ड थे, ये हिज मास्टर्स वॉइस पर और ये हिंदुस्तान रिकॉर्ड लेबल पर। इन दोनों में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग हमें
मिलती है। यह रिकॉर्ड जो मेरे हाथ में है यह वही रिकॉर्ड है जो बम्बई के कांग्रेस रेडियो के दफ्तर से वहां की पुलिस ने बरामद किया था। यह वंदे मातरम का रिकॉर्ड है जिसे कलकत्ते से मातृ सेवक सेविका दल ने गाया था और जिसकी धुन बनाई थी मशहूर संगीतकार कमलदास गुप्ता ने। हमारे संग्रह में वह हिंदुस्तान रिकॉर्ड भी है जिस पर हरिपद चटर्जी द्वारा संगीतबद्ध जनगणमन गीत रिकॉर्डेड था और कांग्रेस रेडियो से जब्त किया गया था। यह रिकॉर्ड H570 है। उस रिकॉर्ड से जनगणमन गीत कभी कांग्रेस रेडियो पर बजा हो इसके सबूत नहीं है, परंतु इस रिकॉर्ड की दूसरी तरफ वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग है। संभव है वंदे मातरम की यह दूसरी रिकॉर्डिंग भी कांग्रेस रेडियो पर बजती हो। बम्बई की पुलिस ने, बम्बई हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड की जो सूची दायर की थी उसमें इस रिकॉर्ड के आगे सिर्फ जनगणमन लिखा है। इसके दूसरे साइड जो वंदे मातरम है उसको उन्होंने शायद उस पर न लिखा हो, परंतु इसकी पूरी संभावना है कि यह रिकॉर्ड भी बम्बई के कांग्रेस रेडियो पर बजता हो। आइए पहले वंदे मातरम का वह रिकॉर्ड सुनते हैं जिसे बंगाल के 5 प्रसिद्ध गायक गायिकाओं ने मिलकर कोरस में स्वर दिया था। ये कलाकार थे श्रीमती प्रभा रे, श्रीमती जया दास, श्रीमती विजया, श्री धीरेन गुप्ता और श्री हरिपद चटर्जी। वंदे मातरम का रिकॉर्ड कांग्रेस रेडियो के हर ब्रॉडकास्ट में सबसे अंत में बजाया जाता था। कांग्रेस रेडियो के ब्रॉडकास्ट की शुरुआत होती थी हिंदुस्तान हमारा गीत से, जो कि बम्बई के अगस्त क्रांति अधिवेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग से ही ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर ट्रांसफर किया गया था। वह गीत कांग्रेस रेडियो पर बम्बई हाईकोर्ट पर चले मुकदमे के दौरान बजाया भी गया। जब वह रिकॉर्ड हाई कोर्ट में बजाया गया तब वहां उस गीत के गायक मास्टर कृष्णा को भी बुलाया गया जिन्होंने अपनी आवाज पहचानी थी, परंतु अब वह रिकॉर्ड हमें मिलता नहीं। दोस्तों, हिंदुस्तान हमारा गीत का रिकॉर्ड तो उपलब्ध नहीं है, बाकी 112 रिकॉर्ड का भी कुछ पता नहीं, परंतु उन सभी रिकॉर्ड को बम्बई हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान बजाया गया था जिसके सबूत बम्बई हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी में मिलते हैं। वे ग्रामफोन रिकॉर्ड्स जो बम्बई के कांग्रेस रेडियो पर बजते थे उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के भाषण थे। किसानों, मजदूरों, छात्रों, सरकारी नौकरों, सैनिकों के लिए दिए गए कांग्रेस के संदेश थे। चेमूर, चटगांव आदि में अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्म की रिपोर्टें थीं। उन रिकॉर्डों में विदेशी सामानों के बहिष्कार की अपील भी थी और समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में समाचार की रिकॉर्डिंग भी थी। दोस्तों, मुझे आप सबको यह बताने की जरूरत नहीं है कि इन 100 से अधिक ग्रामोफोन रिकॉर्ड में हमारी आज़ादी के आंदोलन के कितने बेशकीमती सबूत हैं। दुर्भाग्यवश आज हमें कांग्रेस रेडियो के इस दुर्लभ खजाने का कुछ भी पता नहीं। मैं समझता हूँ यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि हम ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की पड़ताल करें और लोगों को उपलब्ध कराएं। आपको यहाँ एक जानकारी अवश्य देना चाहूँगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने जो फिल्म जब्त की थी कांग्रेस रेडियो स्टेशन से
वह पूरी 14,000 फीट की वीडियो रील शिकागो रेडियो ने 16 मई 1946 को वापस हासिल कर लिया था तत्कालीन गृह मंत्रालय के दिल्ली के दफ्तर से। इसी वीडियो रील के ऑडियो से कांग्रेस रेडियो ने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बनाए थे। दोस्तों, कांग्रेस रेडियो के मुकदमे का फैसला आया 14 मई 1943 को बंबई हाई कोर्ट से। इस मुकदमे के न्यायाधीश थे जस्टिस एन एस लोकुर। उन्होंने दो आरोपियों विट्ठल दास झावेरी और शिकागो रेडियो के नानक मोटवानी को बरी कर दिया। बाबू भाई खक्कर को 5 साल का सश्रम कारावास दिया गया, उषा मेहता को 4 साल का और चंद्रकांत झावेरी को 1 साल का। लगभग 75 दिनों के कांग्रेस रेडियो के अस्तित्व ने और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के माध्यम से उसके ब्रॉडकास्ट ने आधुनिक भारतीय इतिहास पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। दोस्तों, अब आज के इस दास्तान को और आज़ादी नामा के 40वें पड़ाव को यहीं विराम देते हैं और आपसे विदा लेते हैं उसी वंदे मातरम के रिकॉर्ड को बजाते हुए जिसको बजाकर कांग्रेस रेडियो विदा लेता था अपने श्रोताओं से साल 1942 में। अनुभव कीजिए उन ऐतिहासिक पलों को इस गीत को सुनते हुए। और हाँ, अगले सोमवार को 13 दिसंबर को उस ऐतिहासिक दिन के 75 साल हो रहे हैं जब भारतीय संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा में। उस ऐतिहासिक दिन की बात करेंगे आज़ादी नामा की 41वीं कड़ी में पंडित नेहरू की आवाज के 5 ऐतिहासिक ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के माध्यम से। अभी आप रहिए 42.12 मीटर्स पर कांग्रेस रेडियो पर और सुनिए हेज मास्टर्स वॉइस पर वंदे मातरम की वह ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग कलकत्ते के मातृ सेवक सेविका दल के समूह गान में। वंदे मातरम।
तैयार रहो, पंडित तैयार रहो।